तो भाई मेरे को लोग कमेंट करने लग गए मेरी वीडियोस पे कि जब पैसे नहीं है खरीदने के कपड़े, और अब देख से मैं रोड पे निकला हूँ, मैंने ऐसे ऐसे ड्राइवर्स देखे हैं कि सुबह फिलहाल आज को मैं शॉप पे जो कि है ग्रेजुएट पे भैया से मैं बाइक परचेज करी, अब जो बाघ वजन की कॉस्ट है मेरे को लगभग आ रही है। आज को मैं शॉप पे जो कि है रेड लाइन रेसिंग स्टोर। Subscribe to YPM Vlogs and like the bell icon. Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here. And guys, आज जो हम बहुत ज़्यादा late में vlog करते हुए start, तो यहाँ पे तो फिलहाल पूरा सामान पहले हुआ, क्योंकि जो पापा हैं वो जा रहे हैं कल, क्योंकि उनको कुछ जाना है किसी बिजनेस रिलेटेड टूर पे। तो फिलहाल तो ये मेरा पूरा ड्राइंग रूम है, जैसे आप लोगों को बोलते हो कि पूरा अपना घर दिखाया कर, तो आपको अगर चाहिए पूरा एक होम टूर तो उसके लिए कमेंट डाउन बेलो। तो फिलहाल तो मेरे को आज है बहुत सारे काम, जल्दी से चलता हूँ बाइक पे, फिर करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो फिलहाल मैं व्लॉग कर रहा हूँ ऑस्मो से, सो उसकी जो क्वालिटी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लाइक एज कम्पेयर टू गोप्रो की जो क्वालिटी है। लॉन्ग टर्म मेरे को पता लगा कि उसकी जो माइक्रोफोन की जो इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन है वो अच्छा है, बट एज कम्पेयर टू गोप्रो की जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। सो गोप्रो भी परचेज करूँगा मैं, क्योंकि मैं आज आने वाले समय में जा रहा हूँ एक फॉरेन ट्रिप पे। सो यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम से आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ फॉरेन ट्रिप पे। सो जल्दी ही चलते हैं बाइक पे, आपको दिखाता हूँ आगे पूरा आज का व्लॉग एंड बात करते हैं आगे की। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम व्लॉग्स बैक हियर। गाइस मैं आपसे बात करूंगा आज एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसे आप कमा सकते हो पैसे घर बैठे बैठे। अब इस एप्लीकेशन का नाम है फोर रैबिट। अब ये जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा सेफ एंड जेन्युइन एप्लीकेशन। अब कहीं आप पूछोगे मेरे से कि हम कैसे कमा सकते हो पैसे इस वाली एप्लीकेशन के थ्रू, सो जो एप्लीकेशन सबसे आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन गेम्स कसिनो एंड साथ में इसमें होती है बेटिंग, जिससे आप कमा सकते हो पैसे बहुत ज़्यादा ईजिली। जैसे इसमें जीतने के चांसेस हैं वो है ऑलमोस्ट 100%, एंड ये एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा सेफ एंड जो पैसे आपको भी कर सकते हो पेटीएम से विदड्रॉ। गाइस एक और चीज़ की जो इसका एप्लीकेशन का मिनिमम डिपॉजिट है वो है 300 रुपये, आप यूज़ करोगे जो मेरा लिंक है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उससे आपको मिल जाएगा स्पेशल पेटीएम ऑफर, जिससे आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत पैसे फालतू इस वाली ऐप में, यानी कि अगर आप 300 रुपये डालोगे तो आपको पैसे मिलेंगे फालतू मेरी तरफ से जो कि आप यूज़ करोगे मेरा लिंक। तो जल्दी से जाओ यूज़ करो फोर रैबिट को एंड आप पैसे कमाओ, एंड या जो चांसेस इतने के वो हैं 100%। तो जल्दी से जाओ एंड करो उसको डाउनलोड। तो भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे स्मॉग और फॉग हो रखा है ना, मतलब अभी टाइम 4:55 PM हो रहा है देख लो, एंड अभी भी इट लुक्स लाइक शाम के 7 बज रहे हो। मतलब सामने अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 500 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऑल दो जो रूट है इतना ज़्यादा रहता है क्लियर, बट अभी धुंध और स्मॉग दोनों मिक्स हो गई है ना, उसकी वजह से यार पूरा यहाँ पे देख लो ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा फ्लाइवर इसके स्पीड में वो 50 है, बट थोड़ा बहुत स्पीड से चलता है, एंड ऑल दो यहाँ पे जो खड़े होते हैं स्पीड से होने के बाद उनके पास एक गन होती है जिससे उन्हें वो करते हैं अपनी स्पीड को मेजर, एंड रात को देख सकते फ्लाइवर इज़ वेरी डेंजरस अगर आपसे बात करूँ। एंड मैं बताना मुझे कमेंट कि आपको जो क्वालिटी कैसी लग रही है, एंड जो वॉइस क्वालिटी मुझे पता है कि आपको बड़ी आ रही होगी, विंड की नॉइज मेरे को पता है कि आ रही होगी अच्छी तरह से ही बड़ी बहुत की, बट आपको गोपो करना पड़ेगा कॉल का इंजाइनिंग हो रहा है इंटरनेशनल से, जहाँ से अपने लिए गोपो लगूंगा साथ में लगूँगा एक अडेप्टर, और जो अडेप्टर का क्वालिटी था वो ख़राब हो गया है, एंड इंडिया में उसको लेना यार लाइक 7,000 रुपये को देना उसके लिए, एंड जब कुछ चीज़ है उसे 7,000 रुपये आए उसके लोग 7,000 रुपये ब्लैक में मांग रहे हैं, और जो डॉक्टर है आई थिंक गोप्रो ने उसको बनाना बंद कर दिया है और ऑब्वियस रीज़न। तो भाई मेरे को लोग कमेंट करने लग गए मेरी वीडियोस पे कि जब पैसे नहीं है खरीदने के कपड़े, हाँ भाई सही बात है यार, आधी तो बाइक खरीद ली मैंने, फिर मैंने हेलमेट ले लिया, मैंने फ़ोन पे खोल रखा है फ्रंट कैमरा और आपको पता लग जाए कि जो हेलमेट है कैसे बात कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो कहीं मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पर फिलहाल एक माउंट लगाऊँ जिससे आपको मिले मेरा फेस का एंगल, तो इस तरह मैं समथिंग अराउंड 3-4 एंगल फिट करूँगा, जो मेरे को बेस्ट लगे मैं वहाँ पे कैमरा लगा दिया करूँगा। दिस इज़ लुकिंग डोप या एज ऑफ मी, बाकी आप बताओ कमेंट खोले हुए नीचे कमेंट बॉक्स अगर ओपन। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पे, ये तो ये पूरी मार्केट है, एंड यहाँ पे भी एक शॉप आएगी राइट साइड में ही, देखो ये वाली शॉप है, तो यहाँ पे आई यूज़ टू कम एंड इट आइसक्रीम ओवर नाइट, तो यहाँ की मिलती है फ्रूट आइसक्रीम मोंगा शॉप पे। ये जो जगह है ये जस्ट सिलेक्ट नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाद में है, तो अभी तो मेरे को जानना है फिलहाल सीधा 500 मीटर्स, देन आई विल रीच टू माय लोकेशन, यहाँ मैं जा रहा हूँ। तो आई जस्ट मेक श्योर कि जो आज वाली बाइक की चाबी मैं सेकेंडरी की ले लूँ, क्योंकि भाई पता नहीं आता ना कि भाई की कभी कुछ भी हो जाए टचवुड कभी कुछ हो ना, बट से ले की होनी चाहिए मेरे पास, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ मैं, तो ये जाता हूँ भाई चाबी लेता हूँ। और अभी देख से मैं रोड पे निकला हूँ, मैंने ऐसे ऐसे ड्राइवर्स देखे हैं कि भाई जस्ट इंडिकेटर दे दिया राइट लेफ्ट में, कोई आ रहा हो कोई कुछ भी कर रहा हो ध्यान देना ही नहीं है और जस्ट मुड़ जाना है, वो तो हमको ब्रेक मारनी पड़ जाती है अगर सुपर बाइकर थोड़े स्पीड में होए सब सपोज, क्योंकि जो बाइक्स हैं ये होती है बिल्कुल एग्रेसिव बाइक, तो अगर इनमें थोड़ी सी स्पीड भी आ गई तो अच्छा इसमें देख ब्रेक पैड कितने भी अच्छे हों तो बाइक रुकेगी कैसे आप ये बताओ। तो सपोज अगर मैं बहुत दिन से यहाँ पे बाइक खींच रहा हूँ और एक बंदा सामने से आया जाए तो मैं ब्रेक से कितनी भी अच्छी बाइक की हो लगेगी तो सही ना, तो बाइक का नुकसान होगा, बंदे का नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा,
हूँ, इसलिए बोलता हूँ हमेशा फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वेयर अ हेलमेट एंड मेक श्योर कि लेफ्ट और राइट में कोई है नहीं, कभी आप आगे जाओ. सो आई एम हेयर एट द लोकेशन नाउ. सो द प्लेस इज ग्रेजुएट सुपर भाई. तो यहाँ पे भाई भाई खड़े होंगे. तो यहाँ से मैंने बाइक परचेज करी थी. प्लेस इज ग्रेजुएट सुपर बाइक. सो भाई फिलहाल आज को मैं शॉप पे जो कि है ग्रेजुएट सुपर बाइक, यहाँ से मैंने बाइक परचेज करी थी एंड यहाँ पे बात भी है. मैं ठीक हूँ भाई. तो भैया नई बाइक्स कब आ रही हैं स्टॉक में? आ जाएंगी यार संडे तक आपकी, जब तक वीडियो आएगी आपकी उससे पहले न्यू स्टॉक भी आ जाएगा, फिर आपकी और वीडियो बनवाएंगे उस पे. चलो ठीक है भाई, तो जल्दी चलते हैं आगे. तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अभी एक एक्सेसरीज की शॉप पे, जहाँ पे मेरे को मिल पाएगा इसका एक बीक, एक विंटेज में होती है बड़े वाली इसकी. एंड साथ ही साथ आई नीड वन बाग बस्टर फॉर दिस बाइक. और जो बाग बस्टर होते हैं उससे बाइक निकाल जाती है अच्छी से लुक, एंड यहाँ पे वो लग जाते हैं. अब जो बाग बस्टर की कॉस्ट है मेरे को लगभग आ रही है वो 11,800 रुपये. क्या मैं लूँगा बिल्कुल बेस मॉडल वाले बाग बस्टर्स? अगर मैं लूँगा अच्छे वाले तो दे विल कॉस्ट मी अराउंड 13,000-14,000. तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यार क्या लिया जाए. तो जो मेरा भाई था वो ओपन था एंड मेरी आँख में तो लगा एक मॉस्किटो यार, बहुत तेज का लगा एकदम से, हिट लगा मेरे को एकदम से, घुसा एकदम से यार आकर के एंड टच हुआ है एंड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है. तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट एंड मेरी आँख में जो मच्छर हिट कर रहा है ना मेरे को, इतनी तेज की दर्द हो रही है अभी मेरी आँख में. आई गेस शॉप आएगी लेफ्ट में. बहुत फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मेरी शॉप का नाम है रेड लाइन बेसिक स्टोर. तो आई कैन सी द शॉप, वोरी शॉप. तो आई रीच्ड ओवर हियर एंड यहाँ पे ज़रा बात करता हूँ भाई कि मेरा सामान अभी मिलेगा नहीं मिलेगा. ओके गाइस फिलहाल आ चुका हूँ मैं शॉप पे जो कि है रेड लाइन रेसिंग स्टोर एंड गाइस यहाँ पे हैं सिमरन अंकल. हेलो कैसे हो अंकल? बस बढ़िया अंकल, गोवा में रहे थे. बढ़ता रहेगा. अच्छा हाँ, सब चीज़ों का. सो यहाँ पे इनकी शॉप है जो इसका नाम है रेड लाइन रेसिंग स्टोर एंड गाइस यहाँ पे क्या 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 सेल करते हो बाइक का आप? सब कुछ, सब एक्सेसरीज मिल जाती है, राइडिंग गियर से लेके बाइक से एक्सेसरीज, परफॉर्मेंस पार्ट्स. सो मेरी पूरी बाइक का आप करोगे अपग्रेड ढंग से टाइम टाइगर. सो फिलहाल यहाँ से मैं देख रहा हूँ राइडिंग जैकेट, देख लो कौन सी कंपनी की भैया, आइक्सन फ्रेंड्स का ब्रांड है. ठीक है, अच्छी है, गार्ड्स अच्छे हैं. तो इसमें लेवल 2 के गार्ड जैसे आप एक बता रहे हो. ओके, और SBS में लाइनर वगैरह का बताओगे क्या होता है बेसिकली? जो ये लाइनर होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली, आपको विंड से प्रोटेक्ट करते हैं और फुल रेन लाइनर होते हैं तो पूरा आपका आर्म्स तक आते हैं तो आपको रेन से भी प्रोटेक्ट करते हैं. मतलब बेसिकली अगर आप रेन में चला रहे हो तो आपको गीला नहीं होने देते अंदर से. ठीक है, तो ये पूरी जैकेट मैं परचेज कर रहा हूँ. तो भैया आपके कितनी बाइक्स हैं फिलहाल? 5 बाइक्स. तो क्या करते भैया इन बाइक्स का? चलाते हो कहाँ पे? दिखते तो कभी नहीं भैया मेरे को चलाते हो बाइक्स. ओके, तो फिलहाल यहाँ से फिलहाल मैं एक जैकेट परचेज कर रहा हूँ एंड आने वाले समय आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से मैं क्या सामान लगवाता हूँ, इनको मैं उसी का ऑर्डर कर रहा हूँ. तो कब तक मंगा दूंगा बाकी सारा सामान? नेक्स्ट वीक. तो या अब यहाँ से जल्दी से परचेज करता हूँ एंड निकलता हूँ यहाँ से. सो गाइस जैसे मैं खड़ा हुआ था शॉप में तो यहाँ पे मेरे को मिले हैं सब्सक्राइबर. आपका नाम क्या है भाई? तुषार. आपको चैनल का नाम बताओ. रेसिंग ऑन व्हील्स. क्या करते हो चैनल पे अपने? मैं सुपर कार, सुपर बाइक्स का रिव्यू करता हूँ. ठीक है, एंड नॉर्मल डेली ब्लॉग्स के साथ. सुपर कार्स कहाँ मिलती है आपको डेली में? सुपर कार्स मिल जाती है, मैंने किसी से कॉन्टैक्ट कर रखा है. ठीक है, उनमें भी है. ओके, एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स के पास सुपर बाइक्स हैं उनसे. ठीक है, वैसे भी एक बात बताओ जो तेरे कब से चाय वगैरह पीते हो क्या? परचेज करके रखे हुए हैं इतने सारे. तो जैसा कोई बताया था कि जो मेरे फादर है वो मेरे को बोलते कि तू खरीद ले राइडिंग जैकेट, तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ ये वाली राइडिंग जैकेट जो कि मेरे को है आइक्सन की. राइट, आइक्सन की. तो कितने की बढ़ रही है ये? 12,500. ठीक है, और नीचे राइडिंग पैंट भी. राइट, शॉर्ट्स नहीं आती? राइडिंग शॉर्ट्स नहीं आती. मंगवा दो, अलग से आपके लिए बनानी पड़ेगी. बनवा दो भी अगर बन सकती है तो. तो भाई फिलहाल जा रहे हैं राइट पे 790 पे. तो इन्होंने नई बाइक परचेज करी है. भैया आपको कुछ बोलते नहीं कि बाइक वगैरह परचेज करो? अच्छा. A few moments later. तो भाई फिलहाल तो मैं निकल चुका हूँ स्टोर से एंड यहाँ पे मेरी राइडिंग जैकेट है एंड फिलहाल तो अभी कंफर्टेबल है बट मेरे को आदत नहीं है राइडिंग जैकेट वगैरह की, तो उसमें थोड़ा यूज टू हो जाऊँगा. बाकी अभी आप ये देखो 5 किलोमीटर जाने के लिए मेरे को लगेंगे 20 मिनट. एंड भाई आप मतलब अगर शाम को दिल्ली में बाहर निकल रहे हो सपोज 7 बजे के बाद, 7 से 9, 9:30 के बीच में, तो दिल्ली तो इतना जाम मिलता है ना, और खासकर अगर चले गए दोलखों की तरफ, तो दोलखों की तरफ में अगर आप जाओगे गुड़गांव से तो भाई फिर तो बोलने की बात ही नहीं है. दोलख वहाँ यूटर्न लेते ही ऐसे ही मुड़कर गुड़गांव की तरफ इतना जाम मिलता है भाई, नो वर्ड. एंड मेरे को वही पता लगा कि आज था 8 घंटे का जाम गुड़गांव में. मतलब 8 घंटे का जाम गुड़गांव में, समझ रहे हो इतना ज़्यादा. वो भी आज मैं लगता है बॉर्डर वगैरह ने पैक कर रखे थे, सोचते थे पूरा जाम था. तो ऑल तो हरी ग्रीन लाइट रेड लाइट्स ही हैं, बट फिर भी ऐसे होते हैं पूरे ऑफिस आज होते हैं, ये पूरे पीक आज होते हैं,
तो इस समय जो ओला होती हैं, ओला कैब, उबर कैब, वो भी सारी जो होती हैं, सारी महंगी हो जाती हैं। उनका जो फेयर है वो 1.5 गुना बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फेयर्स। तो अब मैं देख रहा हूँ कि अगर सीधा जाऊँगा तो फिर भी सेम सिमिलर रेटी है, राइट मुड़ूंगा तो फिर भी सिमिलर रेटी है। तो अगर राइट की बत्ती मेरे को खाली मिल गई तो मैं राइट मुड़ जाऊँगा, बट मेरे को लगता है कि मेरे को जाम मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। तो जो पूरी ऑर्डर ये है संजय गांधी वाली की, यहाँ पर संजय गांधी एनिमल हॉस्पिटल है, तो यहाँ से मैं एंटर कर जाऊँगा सीधा फुल से शाहीबाग की तरफ। एंड मुझे पता है कि जो मेरी ऑडियो क्वालिटी में उनको कुछ करना पड़ेगा, जो माइक है वो मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर रखा है, माइक ऐसे आ भी गया है मेरे को, वहाँ कॉल तो आया था कि कुछ ना कुछ सामान आया है मेरा। एंड फिलहाल तो मेरे को एक गोप्रो चाहिए जो मैं अडैप्टर लगा सकूँ, एंड गोप्रो और अडैप्टर मैं लगाऊंगा एक फॉरेन ट्रिप, जो कि मैं जाऊँगा एक फॉरेन ट्रैवल पे, तो उसके लिए मेक श्योर यू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम पर जो आई डी है वो स्क्रीन पर मिल रही होगी। तो चलते हैं भाई, फिंगर्स क्रॉस की जाम ना हो, क्योंकि देखो यहाँ पर तो रेड कलर का कुछ शो नहीं हो रहा फोन में। A few moments later. So guys, फिलहाल आ चुका हूँ मैं घर पे एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। So guys, that's it for this video. So yeah, मिलता हूँ next vlog में, till then bye and make sure to subscribe my channel YPM Vlogs and click the bell icon. रात के 2 बज रहे हैं, अभी जस्ट घर आया हूँ एंड बिल्कुल थक चुका हूँ, तो यार बाय।